अब मैं जिस मद्दाह को जिस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ वो मोतबर नाम जनाबे कासिम नदीमी भदोही का है, जिन्होंने बहुत पहले एक बहुत बड़ा शेर कहा था कि मेरे नबी की फजीलत छुपा नहीं सकते। सुभान अल्लाह कहेंगे आप लोग, कभी कभी कह दिया करें, रहम खा के कह दिया करें। इसी शेर से इनका इस्तकबाल कर रहा हूँ, मेरे नबी की फजीलत छुपा नहीं सकते, ये वो चराग है जिसको बुझा नहीं सकते, पढ़ूंगा नाते मुकद्दस जरूर है कासिम, मेरी जबान पर पहरे बिठा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ते मौलाना कैसर साहब ने कहा कि कम से कम मेरे लिए बोल दिया, मैं तो कहता हूँ अपने भले के लिए बोला करें सुभान अल्लाह। ये आपका भला है, और ये जान लें कि ये कुरान शरीफ की तिलावत नहीं हो रही कि आप इतनी खामोशी से सुने, यहाँ शायरी हो रही जहाँ बोलना ज़रूरी है। मोहब्बत से अपने फ़ायदे के लिए जी लगा कर दुरूद शरीफ का हदिया पेश कर लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन वसल्लम। और मुझे तो कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि कम ही पढ़ूँ, एक दो मिनट में अपना काम करना। हुजूर इजाज़त। कैसर साहब अभी तक तो सुभान अल्लाह। ये उससे पूछो जो दिल से जुड़ा है इस दर से। सुभान अल्लाह कहते भाई, झूम के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उससे पूछो जो दिल, ये उससे पूछो जो दिल से जुड़ा है इस दर से, वही बताएगा क्या क्या मिला है इस। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही बताएगा वही क्या क्या मिला है इस दर से, बताएगा क्या क्या मिला, क्या क्या मिला उससे पूछो इस दर से। हुजूर हाफिज़े मिलत का आस्ताना है, सुभान अल्लाह का आस्ताना है। हुजूर हाफिज़े मिल्लत का आस्ताना है, कोई भी खाली नहीं लौटता है इस दर से। वाह 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 वाह, कोई भी खाली नहीं लौटता, कोई इस दर से। भी खाली नहीं लौटता है इस दर से। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप तमामी के हवाले एक शेर और दरस्य और बेदारी पैदा कर लें तो अच्छा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर हाफिज़े मिल्लत का आस्ताना है, कोई भी खाली नहीं लौटता है इस दर से। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद माशाल्लाह सुभान अल्लाह। शेर कैसर साहब किबला मैंने बहुत कहे एक दर्जन, लेकिन बस एक शेर और सुने आप। सुभान अल्लाह ये आपके हवाले से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे सर पे गमों का प
पहाड़ था लेकिन हमारे सामने हजरत बताएं कि हम शायरी भी समझते हैं हुजूर खास हमारे सर पे गमों का पहाड़ था लेकिन हर एक गम का जनाजा उठा है इसे। भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आफिस मिल्लत, उर्से हुजूर आफिस मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, शुक्रिया। हरे गम का जनाजा उठा इसी तरह से माशाल्लाह। हमारे सरबाप गमों का पहाड़ था लेकिन हर एक गम का जनाजा उठा है इस दर से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी शेर के तौर पे झूम के पढ़े कलाम तो कहता कि और मुझे भी पढ़ दो शेर, लेकिन अब यहाँ पाबंदी है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका कि कुछ आपने बोलना सीखा इस कलाम के जरिए। तवज्जो फरमाएं माशाल्लाह। बगौर हाफिज मिल्लत का आस्ता देखो, बगौर हाफिज मिल्लत का आस्ता देखो, बगौर हाफिज आस्ता देखो, बोला बोला के नवाजा गया है इस दर से। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बोला बोला के नवाजा गया है इस दर से, नवाजा गया है इस दर से। मक्ता भी एक मिनट का वक्त लेते हुए समाप्त करें कि हुए हैं शेर इन्हीं के दुआ से कासिम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हुए हैं शेर इन्हीं की दुआ से कासिम, मेरी रदीफ मेरा काफिया है इस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा रदीफ मेरा काफिया है इस तर से। हुए हैं शेर इन्हीं की दुआ से कासिम, मेरी रदीफ मेरा काफिया है इस।